Hi friends, welcome back to Phatafat English with Abhishek sir. दोस्तों, in this video we are going to talk about vocabulary. आज हम vocabulary की बात करने वाले हैं. Vocabulary building is a slow process. एक धीमी सी प्रक्रिया है. जैसे for example, आप दिन भर में क्या करते हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए और उनके सारे वर्ड मीनिंग्स ढूंढ लीजिए. हो गई ना आपकी vocabulary तैयार. आप किसी पार्टी में गए तो आप खुद जानते हैं कि आपने कौन कौन से एक्शन करे. एक पेपर पे लिखिए कि पार्टी में मैं गया, मैंने डांस किया, या मैंने खाना खाया, या मैं अपने दोस्तों से मिला, या मैंने जयमाला सेरेमनी देखी, या फिर आपने कुछ भी किया. राइट, अब यदि आप पूरी वोकैबुलरी लिख लेंगे तो फिर उनका मीनिंग इंग्लिश में कैसे कहते हैं उसको, ये ढूंढना बहुत आसान है. आप ट्रेवल से संबंधित, आपने अपने घर से निकले, फिर आप ट्रेन में चढ़े, आपने अपनी बर्थ ऑक्यूपाई की, फिर वहां पे आपने क्या किया, आपने म्यूजिक सुना, तो ये ट्रेवल से संबंधित, आप इतने बजे वहां पहुंचे, फिर आपने ये शॉपिंग की, पूरी लिस्ट बनाइए और आपकी शॉपिंग वोकैबुलरी भी तैयार है और ट्रेवल वोकैबुलरी भी तैयार है. दोस्तों, यदि बर्थडे की वोकैबुलरी आपको चाहिए तो बर्थडे में क्या क्या होता है, एक लिस्ट बनाइए और बर्थडे की वोकैबुलरी सारी की सारी सीख लीजिए. आपको कुछ भी किसी भी टॉपिक से संबंधित वोकैबुलरी याद रखने में आसान होती है. यदि आप एक्सीडेंट की वोकैबुलरी चाहते हैं तो इंटरनेट पर टाइप कीजिए एक्सीडेंट वोकैबुलरी, ट्रेवल वोकैबुलरी, मैरिज वोकैबुलरी. तो इस तरीके से धीरे धीरे भाई, क्योंकि यदि वोकैबुलरी को आप किसी इवेंट से जोड़ लेंगे तो उस वोकैबुलरी को याद रखना आसान हो जाएगा. इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा सुनना शुरू कीजिए, आपके कान इंग्लिश फ्रेंडली बनेंगे. राइट, वोकैबुलरी, हमें सारे वर्ड्स नहीं सीखने इंग्लिश में, हमें सिर्फ उतने वर्ड्स सीखने हैं जितने वर्ड्स की जनरली हमें जरूरत होती है. इंग्लिश इज अ वेरी बिग लैंग्वेज, इज वेरी लार्ज वोकैबुलरी. और आपको जानकर के खुशी होगी कि केवल 3000 वर्ड्स यदि हमें आते हैं तो हम सारी बात इंग्लिश में कह सकते हैं. इंग्लिश में तो 10 लाख से भी ज्यादा वर्ड्स हैं, लेकिन यदि 3000 वर्ड्स हम सीख लें, वो बेसिक्स, यू नो, आपको पहले से आता होगा, कम, गो, प्ले, वॉश, क्लोज, ओपन, क्लीन, ये सारे वर्ड्स आपको पहले से आते हैं. बस आपको सीखने हैं वो स्ट्रक्चर्स जिनमें इस वोकैबुलरी को फिट किया जाएगा. तो वोकैबुलरी कभी भी बिना कॉन्टेक्स्ट के मत सीखिए. यदि आप किसी वर्ड को अकेला सीख लेते हैं तो ये सही नहीं है. वर्ड्स को कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेंटेंस में पिरो लीजिए. उस सेंटेंस को आप याद रख पाएंगे, वर्ड को आप याद नहीं रख पाएंगे. आप रेफरेंस को याद रख पाएंगे. जैसे यदि आपने टीवी पर कहीं सुना अनुष्का टाइट द नॉट विद विराट कोहली, तो ऑफ कोर्स आपको याद रहेगा अनुष्का और विराट, और साथ में आपको याद रहेगा टाई द नॉट, यानी शादी करना. तो अब आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे. आर यू गोइंग टू टाई द नॉट, एक नया सेंटेंस तैयार हो गया. अभिषेक सर हैज ऑलरेडी टाइड द नॉट. राइट, आई वॉन्ट टू टाई द नॉट. इसको कई बार बोल लीजिए अलग अलग सेंटेंसेस में, तो फिर आपकी वोकैबुलरी हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगी. तो मुझे उम्मीद है वोकैबुलरी का ये लेसन आपको पसंद आया होगा और आप इसी तरीके से धीरे धीरे अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करते चले जाएंगे. सो मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ. थैंक यू.